देख लो पानी पूरा चू रहा है। और भाई क्या हाल चाल, समझता है? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो कल देखा था कि ये पूरा खुल गया था और अभी सुबह सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो मैं भैया लोग को बुलाया। हाँ साबर दीजिए तो इसको तोड़ना। हाँ साबर दे रहा हूँ। तो ये ना यहाँ पे दीवार उठवा दूंगा ताकि पानी ना इस रूम में ना आए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। एक चलता हूँ, ये साबर देने जाना है। अब सुबह से मैंने क्या क्या किया, अब मैं पहले इधर चढ़ लूँ, उसके बाद तो सुबह से मैंने पूरी पानी पूरी तली पर नीचे पहन के चढ़ गया। हाँ सुबह से मैंने पूरी पानी पूरी तली और इधर उधर काम किया, दुकान में कुछ काम नहीं किया। ये साबर देता हूँ। सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लग रहा था ना पूरे रूम में पानी भर जाएगा, और वही तो एक रूम बचा हुआ है अभी। लो भैया ये हो गया, यही ला जोड़ना है ना। हाँ उसको जोड़ना है और उसको तोड़ दीजिएगा बस। आइए भैया, मैं रिंकू भैया को बुलाया हूँ, थोड़ा सा तार यहाँ पे वायरिंग करवाने के लिए, हल्का सा छूट गया था इसीलिए। रुकिएगा ना, उनको आने दीजिएगा, नहीं तो करंट मारेगा ना आप लोग को। अरे वो भी देना है यार, मैं भूल गया, रुकिए। हाँ ऊपर आइए ना। तो हमारे पड़ोसी भैया आ गए हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रिशियन, और इनका नाम भी रिंकू है, मेरा नाम भी रिंकू है। तो इस तार में देखो थोड़ा सा चूहो सा परेशान हूँ मैं, तार ना सुबह काट दिया, देखो ये खुला दिख रहा है आपको, तो बांस लगा के मैंने अलग अलग कर दिया। इसमें थोड़ा स्टेप लगा दीजिए। कहाँ गए? अरे आ गए। इसमें थोड़ा स्टेप लगा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे हल्का सा खींचूँ, इसमें यहाँ पे लगा दीजिए, टेप। अच्छा टेप मेरे पास ना लीजिए। तो भाई एक बज गया ना, देखो सब कुछ काम देखना पड़ता है, इधर उधर। हाँ पैसे ले लिए, वो ठेकेदार को पैसे भी देने हैं, तो अब मैंने 40,000 रुपये रख लिए हैं। वो ठेकेदार मेरे ठेले पर रोज आता है कि पैसा दो पैसा, तो ठेले में रख लिया हूँ, ले जाके वहीं पे दे दूँगा, अब उसको घर नहीं आना पड़ेगा। चल भाई उठाओ आ जल्दी। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और वो देखो मेरे भाई को, ये ओए कहाँ जा रहे हो भाई साहब, कीचड़ में। अब रेनकोट नहीं पहना हूँ मैं। तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और बारिश ना उस साइड से आ रही, एकदम फ्लो मार रहा है, तो मैं इधर छुपा हुआ हूँ, और रेनकोट है नहीं, एक ही रेनकोट है, मतलब दो थे, एक फट गया मेरे भाई वाला, और मेरे भाई को पहना दूंगा, और मैं पन्नी के नीचे मतलब दब के चला जाऊँगा, जुगाड़ बन जाएगी मेरी तो। लेकिन अभी यहाँ तक तो वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना भाई, वो चढ़ान पर तो चढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हो ना मुसीबत आती है तो ऐसे आती है। सुबह मिस्त्री लेबर लेने गया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस गया पैसे निकालने, लेबर मिस्त्री को देने थे मतलब ठेकेदार को, और उसके बाद देखो अभी एक बज गए, और ऊपर से अब बारिश, भगवान जी आफत आफत आफत। तो मैं आप बताऊंगा कि रेनकोट क्यों नहीं पहनूंगा मैं, क्योंकि रेनकोट पहनूंगा ना तो अंदर ही अंदर ना एयर बनती है और गर्मी लगती है हम लोग को अंदर ही अंदर, और बाहर से ठंडी, और जैसे ही मैं वहाँ पे जाके रेनकोट उतारूंगा तो अंदर का पसीना और बाहर का पानी मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही मेरे पास साथ पिछले बार हुआ था, तो इसलिए मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा भाई। मतलब बाइक वगैरह में कहीं जाऊँगा ना तो उसमें बॉडी कोई एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन यहाँ से मेरे को वहाँ तक जाना पड़ेगा तो अंदर अंदर पूरा ना एकदम पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, और फिर बाहर का पानी पड़ेगा तो फिर और तबीयत खराब, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ अभी फिलहाल, भगवान करे। ये जो पन्नी देख रहे हो ना आप, इसको बांध देता हूँ, इसको इधर बांधूंगा, इसको इधर बांधूंगा, और इसके अंदर उसको चला जाऊँगा, जुगाड़ बनती है जैसे बनाओ भाई। एक बज गए यार, एक बज तक मैं 500-600 रुपये की बेच देता हूँ, लेकिन क्या करोगे भैया। तो अभी मैंने उतना रास्ता तय कर लिया है और यहाँ पे आके रुका हूँ। ये देखो पानी चू रहा है पन्नी में से मेरे ऊपर, मेरे भाई आ जाए तो उसके बाद जाऊँ मैं, अब इसके बाद मेरे जाने की हिम्मत नहीं भाई, आ गया जल्दी आओ। ये देखो देख रहे हो पानी पूरा चू रहा है। अबे छोड़ भी सकता ठेले को, देखो यहाँ पे ना बारिश में फंस चुका हूँ, ये पानी इसके ऊपर, ये शोल्डर पूरा गीला हो चुका है। अब मैं मोबाइल रखता हूँ और पहुँचता हूँ सीधा, वहीं मेरे भाई आ गया है। मतलब 4 बज गए हैं और बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है एकदम, सुबह से जब से मैं आया, और पानी पूरी की बिक्री एकदम कम हो रही है, पूरी सील भी गए हैं, देखो ये हल्के हल्के ना सील गए हैं पूरे, पन्नी में लाया हूँ फिर भी चार की बिक्री हो रही है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी 4 बज गए भाई, 3:46, बहुत ज़्यादा सामान बचा हुआ है, और जो मैं पैसा लाया था अभी तक कोई नहीं आया लेने के लिए, बारिश हो रही है, मैं बोला कि पैसा ले जाओ तब पानी गिर रहा है, पर ठीक है घर आ जाना फिर। और मैं जितने की बिक्री कर रहा हूँ ना यहाँ पे पैसे रख रहा हूँ, क्योंकि पैंट मेरा अभी तक पूरा गीला हुआ है, यहाँ पे पूरा आते आते मैं भीग चुका था। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये जो मटर है ना ये ख़त्म हो जाए, बाकी पानी पूरी तो कल ही बेच लूँगा,
कस्टमर आए भाई, जल्दी जल्दी गरम गरम खा लें। और मैं मटर को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खिला रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। 5:15 तो बज ही गए हैं और अंधेरा भी धीरे से होने लगा है। पानी ने भी आज पूरा दिन ख़राब कर दिया, पूरा दिन भर। अब बोलते हैं 3 दिन तक पानी रहेगा ये कंटिन्यू, 3 दिन तक बरसेगा। इतना टाइम तक मैं चला जाया करता था ना, और देखिए पूरा सामान बचा है अभी तक। मतलब जनरली सभी को पता है कि मैं 5:30 बजे चला जाता हूँ, और सब लोग बोल रहे हैं कैसे आज तो सामान बच गया। आज 1 बजे आया भी और ऊपर से बारिश। देखिए 10-10 रुपये में ना मैं ज़्यादा ज़्यादा चाट खिला दे रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं घर चला जाऊँ, लेकिन फिर भी शायद कस्टमर आ नहीं रहा एकदम। छोला ना ऐसा आइटम है जो कि ख़राब हो ही जाएगा, मतलब कल ना उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अब बाकी पानी पूरी बेच लूँगा। कुछ सर में ना खुजली होने लगती है, मतलब बारिश का पानी जब सर में गिरता है ना तो थोड़ी मोड़ी एकदम खुजली होने लगती है, उसके चक्कर में मेरे बाल ना पूरे झड़ने लगे धीरे धीरे। देखो भैया के भी बाल झड़ गए और मेरा भी स्टार्ट होने लगा है, और भगवान न करे ऐसा हो जाए मेरा भाई, लेकिन एक ऐज आएगी जब हो ही जाएगा। देखो बाल झड़ने का ना कोई इलाज नहीं है, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, धीरे धीरे ना टूटने लगते हैं। बहुत सारे ऑयल वगैरह आते हैं जो प्रमोशन करते हैं यूट्यूबर, कि वॉक का भी आता है और भी कुछ करके आता है। मतलब मैं देखो अभी इधर उधर क्यों देखने लगता हूँ पता है, कुछ लोग देखने लगते हैं तो मैं भी देखने लगता हूँ इधर उधर कि क्या बात कर रहे हैं मोबाइल में। तो ये सब प्रमोशन ना मेरे को लगता है, मतलब जिसके झड़ रहे हैं ना, मतलब कुछ लोगों का ना जीन में रहता है, मतलब पिताजी के झड़ रहे हैं तो बेटे के भी झड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है। बहुत तेज़ ना ठंडी लगने लगी है, ठंडी हवा चल रही है, ये भी सिल जाती, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़। और देखो अब बिक्री कहाँ से होगी, एक ये गाड़ी खड़ी हो गई और ये के टेम्पू तो मान लो भैया का तो चला जाएगा, लेकिन गाड़ी तो खड़ी हो गई भाई, क्योंकि आज वहाँ बाइक वगैरह कुछ प्रोग्राम होने लगा, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ रोज़ होते रहता है। तो अभी मैं आ गया हूँ वो छड़ वाले भैया का पैसा देने, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है मैं यहीं फंस गया हूँ फिर से। तो मैं यहीं पे फंस चुका हूँ, अब बारिश हो रही है फिर से, मतलब कैसे घर जाऊँ। अरे यार मेरी मम्मी को फ़ोन भी आया था कि भींगते हुए मत आना, लेकिन मैं अब घर कैसे जाऊँ बिना भींगे। ये तिरपाल को ऐसे कर भी दूंगा तो भी जुगाड़ नहीं बन रही है, इसको ऐसे मैं गिरा दूँ, उधर से भी यही हालत इधर से भी यही हालत, देखते हैं अब चलते हैं ऐसे कहकर जुगाड़ बना के। तो मैंने उस पन्नी के सहारे ही पूरा घर तक पहुंचा, और हल्का फुल्का भीग गया था तो टी शर्ट उतार दी, और अभी भाई भूख लगी बहुत तेज़, और आज पानी पूरी नहीं बन रही है क्योंकि पानी पूरी बहुत सारी बची थी, तो मेरे भाई की बिक्री भी नहीं हुई और मेरी बिक्री भी लगभग नहीं हुई। तो चार तो मान लो वो छोला मैंने ख़त्म कर दिया था ज़बरदस्ती में। अभी देखो यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है और मेरा भाई खाना खा रहा है। ये दीवार देखो कम्प्लीट हो गई, मतलब अगर ये दीवार आज कम्प्लीट नहीं होती तो पूरा पानी ना इधर से ऐसे करके आता, लेकिन फिर भी ना हल्का हल्का पानी इधर अंदर घुस रहा है। और आज यहाँ देखो कोई नहीं सो पाएगा, हैं पकड़ूँ बिछाओ, ये मेरे पापा अपना जुगाड़ बनाने हैं गली में। देखो ठीक, ठीक लाओ दो खाना भैया, खाना खाएं। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता है, आई होप आज भी कि आपको मज़ा आया होगा, मेरे को भी आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।